मध्य प्रदेश के हरदा में हुई दुखद घटना के बाद पूरा मध्य प्रदेश शोक की लहर में है। इसी के साथ ही अब परिवहन स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह का एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस मामले को लेकर 3 बड़े अधिकारियों की समिति बनाई है। सरकार इस मामले पर बेहद संवेदनशील है। घटना में जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सुनिए हरदा की घटना के बाद क्या बोले परिवहन स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह। मुख्यमंत्री जी ने तुरंत संज्ञान लेकर शासन को अलर्ट करने का काम किया। मुझे ACS अजीत केसरी जी को और ADG लैंक के 2 ऑफिसर्स के साथ में हरदा तुरंत भेजा। हम लोगों ने वहां जाकर मौके पर भी चीज़ों को देखने का काम किया और जो घायल थे उनको भोपाल भेजना, नर्मदापुरम भेजना, एकाध को इंदौर भेजना, तो सारी व्यवस्थाओं को वहाँ देखकर बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी को अपडेट भी किया। आज माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं हरदा जाने वाले हैं और स्वयं चीज़ों को मॉनिटर कर रहे हैं। जांच शुरू कर दी है, क्या लग रहा है? नहीं, स्वाभाविक रूप से जांच टीम गठित हुई है और ACS होम के लीडरशिप में जांच दल गठन हुआ है, तो हमें उसकी रिपोर्ट आने देना चाहिए। बहुत शीघ्र उसकी रिपोर्ट आएगी और चूंकि सरकार इसको पूरी गंभीरता से ले रही है, इसलिए मुझे लगता है कि सारी चीज़ें बहुत स्पष्ट होंगी और जल्दी परिणाम आएगा। आप एक बात बताइए, जब इतने बड़े सीनियर ऑफिसर्स के लिए फोकस करके उस जांच दल गठित किया गया है, तो इस बात को सरकार की संजीदगी और सरकार की प्राथमिकता को दर्शाता है।